एक्स वन दिया गया है। इस एक्स वन के अंदर पूछ रहा है कि आपने जो डायमीटर तैयार करना है टर्निंग के लिए वो कितने का डायमीटर होगा। तो आप यहाँ पर कर दो, जैसे 100 mm का डाया था, 100 mm के बाद में हमने डाया काट करके कितने का करना है, 50 का कर दें, तो 50 mm डायमीटर ले लो। कितना ले लो, 50। कितना लेना है, 50। तो आपको डायमीटर जो है वो 50 mm का ले लो वहाँ पे, ठीक है। और नीचे क्लिक करो, नीचे क्लिक करो, नीचे जब क्लिक करेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है Z1। Z1 का मतलब ये पूछ रहा है कि आपने Z की वैल्यू जो है वो कितनी रखनी है। Z की वैल्यू को हमने माइनस में लेना है, हमने ना कितने mm तक टर्निंग करनी है, -60 कर दो वहाँ पे, -60 कर दो। जैसे ही आप -60 करोगे वैसे ही आपका क्या आ जाएगा, वहाँ पर देखो -60 कर दिया। अब ये पूछ रहा है डेप्थ ऑफ कट, क्या पूछ रहा है, डेप्थ ऑफ कट। तो डेप्थ ऑफ कट को आप क्या कर दो, डेप्थ ऑफ कट को 1 करना है आपने, 1 mm का कट ले रहे हो, राइट। उसके बाद में UX का मतलब ये है, ये कह रहा है कि आपको अगर डाया पे फिनिशिंग के लिए मटेरियल को छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इसको 0 कर दीजिए, एक बार हम लोग रफ कटिंग करेंगे, 0 कर दो, कर दिया। उसकी Z की वैल्यू यहाँ पर 0 कर दो, Z की वैल्यू को 0 कर दिया, ओके वेरी गुड। Z की वैल्यू को 0 करने के बाद में इसको कर दो एक्सेप्ट, कर दिया एक्सेप्ट, ओके।